जय हिंद। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सार्वजनिक म्यूज़ियम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, और वहाँ पर जो RSS के फाउंडर्स के फ़ोटोज़ लगाया गया, जबकि उनका कोई हिस्ट्री नहीं है, साउथ इंडिया से भी कोई हिस्ट्री नहीं है। एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, RSS इज़ अ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, और जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे उसको बैन कर रहे थे, इंदिरा गांधी इसको बैन कर रही थी, फिर ये जैसे BJP की गवर्नमेंट में ये जो टूरिज्म मिनिस्टर है, मेरे ख्याल से वो किशन रेड्डी BJP का होने की वजह से ये पूरे जहाँ जहाँ म्यूजियम्स हैं इनका जैसे बुनियाद बनाना चाहते हैं, हिस्ट्री चेंज करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में हमने रिप्रेजेंटेशन दिया सार्वजनिक म्यूजियम के डायरेक्टर को कि फ़ौरन इसको निकाल दिया जाए, अगर नहीं निकालेंगे तो हम इनको 2 हफ्ते का टाइम दिए, हाईकोर्ट में रिट फाइल करेंगे और कोर्ट के डायरेक्शन से इसको निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो हम सब से अपील करते हैं कि दुआ करिए कि हम हक का साथ देंगे, हम अल्लाह ताला हमारे को हिदायत देंगे, हम बराबर हक का साथ देंगे, और वो बोर्ड निकाले तक छोड़ेंगे नहीं हम वहाँ पे। जो डिस्प्ले बोर्ड करे हैं इसकी बदलना चाहते हैं, हैदराबाद की हिस्ट्री इररेलेवेंट फोटोज है, नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद द हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद। कौन था ये फाउंडर? RSS का फाउंडर विनायक दामोदर सावकार जो है सो एक टेररिस्ट था। वो जो है सो कभी भी जबी भी क्विट इंडिया मूवमेंट में जब भी अरेस्ट होते थे हलफनामा आता था इन्हें, या वो तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आज़ादी से, मेरा कोई कंसर्न ही नहीं होगी। ऐसे आदमी की फोटो लेकर के पोर्ट्रेट जो है सार्वजनिक म्यूजियम में लगाते हैं, हम देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला वो 2-3 दिन में नहीं निकली तो हाईकोर्ट इन तरह को खुलेगा, हाईकोर्ट में रिट फाइल करके इसको इमीडिएट निकालने लगाएंगे। खुदा हाफिज़।